हेलो जी, वेलकम गाइस। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, और जैसे कि मैं भी ठीक हूँ यार। वेलकम हो गया आपका न्यू ब्लॉग में। अच्छा यार, पिछला ब्लॉग था हमारा जैसा कि सिंगिंग टॉपिक का, तो यार अच्छा रहा, मज़ा आया। तो नेक्स्ट ब्लॉग भी हम ऐसा ही कोई सीन क्रिएट करेंगे, तो उस सीन के लिए आए हैं हम फैसलाबाद के मशहूर प्लेस पे। वैसे तो फैसलाबाद में जगह कम नहीं है, काफ़ी लोकेशनें हैं, तो इस चीज़ का भी सबको पता होगा। हम जिस प्लेस में आए हैं, जब मैं बताऊँगा, हम फैसलाबाद मशहूर प्लेस इकबाल स्टेडियम में आए हैं, तो यार काफ़ी मज़ा आएगा इधर। तो हम एक दो लड़कों से सवाल पूछेंगे, और साथ कुछ खुद भी हल्ला गुल्ला करेंगे और टिकटॉक वगैरह बनाएंगे, तो मज़ा आएगा। तो यार वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा। आप चले चलते हैं। यार शॉर्ट्स वगैरह आपने देख लिया, उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आए होंगे, बड़ी मेहनत से शूट किए हैं। तो अच्छा यार, हम टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, तो कोई एक दो लड़के ढूंढते हैं। अच्छा पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था ना कि यार जिसका सॉन्ग पसंद आएगा और वैसे भी कोई अच्छा लगेगा, तो एक लड़के के साथ अटैचमेंट हुई है। जैसे उसका अकाउंट भी मैंने ऊपर पिन किया था अजीम यंग के नाम से, तो उसका ही मैं वेट कर रहा था, तो वो भाई आ चुका है फाइनली। और भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक भाई। तो यार चलते हैं फिर, हम नेक्स्ट लड़कों से, दो तीन लड़कों से पूछते हैं सवाल वगैरह, आए चलते हैं। अच्छा तो यार भाई, एक दो लड़के मिले हैं, उनसे सवाल वगैरह पूछते हैं, तो उम्मीद है मज़ा आएगा। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? क्या नाम है आपका? आपका अच्छा यार, आपसे एक दो सवाल पूछेंगे, नॉलेज के सवाल हैं, तो उसमें आप हमें जवाब वगैरह देंगे। पूछ लें आपसे कोई सवाल। अच्छा आप स्टेडियम में महीने में कितनी बार आते हैं? एक दिन आते हैं कैसे? हमें जो है ना मदरसा से छुट्टी होती है जुम्मे को। अच्छा कभी कभी आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं आते। ठीक है चलो, आते हैं वैसे आपको इस चीज़ का पता। अच्छा हम आपसे पूछते हैं कि यार आप स्टेडियम आते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं, आपको पता है कि ये स्टेडियम किस सन में तैयार हुआ था? सोचे जरा, कभी सुना होगा, कभी पढ़ा होगा, फेसबुक चलाते हैं उस पर काफ़ी ऐसी चीज़ें आती हैं। नहीं हम यहाँ क्रैश ही तो बता देते। अच्छा निकल, चले इस सवाल को छोड़िए, आपको नहीं बताया तो आपसे एक फ़नी भी है थोड़ा सवाल और क्रिटिकल भी है, वो आपसे पूछ लेते हैं। अच्छा एक कमरा है, उसमें कुछ भी नहीं है, खाली है, पांच लड़के जाते हैं, सात वापस आते हैं, कैसे? उसमें कुछ भी नहीं है, अंदर भी कोई भी नहीं है, पांच गए हैं, सात वापस आए हैं। पांच लड़के गए? हाँ जी, पांच लड़के लगा लें, लड़कियाँ लगा लें, पाँच फर्द गए, सात लड़के वापस आए। हाँ सात लड़के वापस आए, जो पहले बैठे होंगे। नहीं मैंने वही कहा कमरा खाली है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। कोई माइंड लगाएं, कोई इसका कोई जवाब निकल सकता है। चले यार भाई को कुछ नहीं आता, आपसे आपको कोई नहीं, नहीं भाई को भी कुछ नहीं। चले गजब बेइज्जती है। शुक्रिया आपने टाइम दिया हमें। ठीक आए भाई, चलते हैं आगे, कोई और ढूंढते हैं लड़के। ओके यार भाई, यार वो खड़े हैं उनके पास, चलते हैं लग रहा है। अच्छा यार आपसे कोई एक दो सवाल पूछेंगे, तो आपने क्या देखिए? अच्छा यार ये है कि आप आते हैं स्टेडियम पाँच। हाँ सात।
पांच फर्द गए हैं, चाहे लड़की लड़के लगा लें तो सार वापस आए। नहीं चले कोई बात। अच्छा कोई कोई शेर आपको अच्छा कोई अच्छा सा फेवरेट है जिसमें थोड़ी सी लाइन आती है वो हमें सुना। शेर आता है सुनाएंगे ये पकड़ लें आप हैंड में फिर सही आप नाजुकी उसके लव की क्या कहें पंखड़ी एक गुलाब जबरदस्त। अच्छा यार गालब को पूछिए सर आपको भाई कोई सॉन्ग आपको यार जैसे कि आप लोगों को बताया कि आज स्टेडियम का फर्स्ट फ्लोर का स्टेडियम में शूट किया तो यार हमें भी मज़ा आया और काफ़ी सवाल जवाब पूछे हैं तो यार आप सोचेंगे कि भाई ने जवाब नहीं बताया तो मैं आपको जवाब बता देता हूँ क्योंकि इतने मुश्किल नहीं थे जवाब। तो जैसे कि स्टेडियम का मैंने सुना है देखा है तो ये आई थिंक 1968 में बना था उसके बाद इसमें पहला मैच टेस्ट हुआ न्यूजीलैंड के साथ। तो दूसरा सवाल ये था कि एक कमरे में जब पाँच लड़के जाएंगे या लड़कियाँ जाएंगे एक साथ ही वापस आएंगे मैंने उनको शोर में साथ गाया तो एक साथ ही गया तो इसलिए उनको मुश्किल हुई और उनसे सवाल जवाब मिला नहीं उनको। तो चलो अच्छा रहा निज़ाम। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये है कि आप वीडियो को लाइक और अगर कोई मिस्टेक लगे तो कमेंट में बता सकते हैं। तो आपको उम्मीद है कि इससे नेक्स्ट व्लॉग इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगा और जाते जाते आप स्टेडियम पर शोर सीखते हैं जो हम लोग।